नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं, वैसे तो मैंने इस स्टॉक पे ज़्यादा बात करी नहीं है, लेकिन ये विषय बन गया है इस समय बात करने का, क्योंकि विद इन 2 ट्रेडिंग सेशंस स्टॉक कितना गिर सकता है, 20% गिर गया है दोस्तों। हालांकि इस शेयर के बारे में बात इसलिए नहीं करी है क्योंकि कोई खुद का ही व्यू नहीं बनता है, तो क्या ही आप सभी के साथ शेयर करूंगा। लेकिन अब यहाँ पे आप सभी देखो, हम जब शेयर को पढ़ते हैं समझते हैं तो समझ में तो आ जाती हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी क्या है कि नहीं लेना तो नहीं लेना, ऐसे होते हैं कुछ स्टॉक्स होते हैं, रिस्क लेनी है तो वो छोटे अमाउंट से ले लेते हैं। और अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो टेक्निकल टर्म्स पे तो बात कर ही सकते हैं, क्योंकि हम ले ना ले, हमारा व्यू बन रहा है या नहीं बन रहा है, किसी ने तो पैसा लगा रखा है। अब मैं अगर वीडियो बनाता हूं और जिस चीज को लेकर आप लोग परेशान हो रहे हो उस चीज पे ही मैं बात ना करूं, तो फिर फायदा ही नहीं है उस वीडियो बनाने का। ऐसे स्टॉक्स को आज के दिन तो कवर करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है, दीपावली है, बाजार थोड़ा अच्छा हो जाता तो और ज्यादा मूड माहौल अच्छा हो जाता। हालांकि मेरी पोर्टफोलियो तो बहुत अच्छा कर रही है, बट मैं आप सभी के साथ बात करता हूं दोस्तों। स्टॉक का नाम है फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस। बीते 2 ट्रेडिंग सेशंस में 20% क्रैश हो गया ये स्टॉक, 880 से 704 पे आके खड़ा हो गया है। एक हफ्ते में भी ऑलमोस्ट 20% ही डाउन है। अब स्टॉक के बारे में मैं आपको बताऊं तो उससे पहले टेक्निकल्स पे बात करूंगा, क्योंकि मैं स्टॉक को पर्सनली ज्यादा कवर नहीं करता, ज्यादा पढ़ा नहीं हूं मैं इस कंपनी के बारे में, शेयर के बारे में, तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। टेक्निकली इतना बोलूंगा कि अगर किसी ने ले रखा है और लॉस में हो तो अभी बेचना मत, क्योंकि टेक्निकली सपोर्ट पे पहुंचा है 690 से 680 700, ये 20 रुपए की रेंज में बड़ा सपोर्ट प्लेस है। यहीं से स्टॉक अगस्त में घूमा था, लगभग गिरा था करीब करीब 840 रुपए से, और 690 का लो लगा के घूम गया, ऊपर में 900 का हाई लगाया। अभी काफी शार्प फॉल दोबारा आया, 704 आ गया है। जिस रफ्तार से ये स्टॉक टूटा है ना, डेफिनेटली एक सीरियस सेलिंग है। लेकिन यहां से अगर उछाल आता है और 750 भी मिल गया आपको, तो आपका 5-6% पैसा रिकवर हो जाएगा। तो मेरे को लगता है रिकवरी एक प्ले हो सकती है, एक बाउंस बैक प्ले हो सकता है। बहुत तेज टूटा है, मे बी 755-780 के लेवल से आपको बाउंस बैक में देखने को मिल सकते हैं। और अगर 5-7% 10% आपका रिकवर हो जाए, वहां पे अगर आपको एग्जिट लेना है तो आप ढूंढिए, बट अभी मेरे हिसाब से बेचना मत, क्योंकि सपोर्ट्स पे पहुंचता हुआ दिखा है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, ये स्टॉक टूट क्यों रहा है? 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो कंपनी के नंबर्स आए होंगे या फिर कुछ खबर होगी। तो पहले देखता हूं क्या रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट तो नहीं, हाँ रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट्स खराब है क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 498 करोड़ से 525 करोड़ हुआ था। कंपनी का मुनाफा देखूं तो 252 करोड़ से 268 करोड़ हुआ है। तो नंबर्स तो ठीक है, आई थिंक कुछ प्रोविजंस वगैरह का मामला हो गया हो, या तो कुछ तो हुआ है जो समझ में नहीं आ पा रहा है सामने सामने से। तो मेरे हिसाब से नंबर्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो बाजार का एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई होगी जिसके सामने परफॉर्म नहीं करा है। कंपनी की बात करूं तो 196 रुपीस की बुक वैल्यू है, 700 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 20,500 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ठीक है, 21 के पीईपी है, तो ये भी ठीक है। तो ऐसी कुछ अभी ज़्यादा दिक्कत तो मुझे नहीं दिख रही है दोस्तों, जिसके चलते हमें ये कहना चाहिए कि यार ये बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। अगर वैल्यूएशन देखूं तो 28 का मीडियम पी है, जिसके सामने 21 के पी पे, तो ठीक है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ टीटीएम बेसिस पे 38% है, जो कि ठीक है। अगर कंपनी के पास शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स 21.59% ओन करते हैं, FIs 56.7%, DIs 8.99% एंड पब्लिक 12.71%। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ डरने का विषय तो नहीं लग रहा है इस कंपनी में मेरे को। टेक्निकली मैं आपको बोलूंगा होल्ड करें, जो ये सेल ऑफ आया इस सेल ऑफ में ना निकले। इनफैक्ट आपने पहले बेच दिया तो ठीक है, नहीं बेचा तो अब आई थिंक 20 रुपए का और आप स्टॉप लॉस लगाइए, और एक 50-70 रुपए का मूव ऊपर आ सकता है। लॉन्ग टर्म की बात करूं तो मैंने अभी जितनी चीजें देखी शॉर्ट में ऊपर से, उसमें मेरे को ऐसा कुछ ज्यादा बिग नेगेटिव तो इनफैक्ट नेगेटिव भी कुछ नहीं मिला है कि मैं कहूँ यार इस स्टॉक को छोड़ दो, खराब है, बेचकर भाग जाओ, ऐसा मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। आप होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को, एंड बस कोशिश कीजिए कैसे भी अपने आप को कंट्रोल कीजिए इस खराब समय में स्टॉक में होल्ड करने के लिए। आगे बात करें दोस्तों तो एकम ड्रग्स में भी आज एक बड़ी गिरावट आई है। रिसेंटली ये कंपनी का बाजार में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं लिस्टिंग हुई है, एंट्री हुई है। 1175 के इसके हाईज हैं, आज 850 रुपये पे आके खड़ा हो गया है, 6% टूटा है। इसमें आई थिंक रिजल्ट्स का ही कुछ मैटर है, बट इसको मैं कवर नहीं करूंगा। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, ज़्यादा कुछ डेटा नहीं है हमारे पास। बट इस कंपनी का जब IPO आ रहा था तो मैंने इनके मैनेजमेंट का इंटरव्यू सुना था Zee Business पे, और इंटरव्यू में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था ये स्टॉक,
तो वहां से पॉजिटिविटी मेरे अंदर है अभी तक, बट अभी मैं स्टॉक में कुछ इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। आगे बढ़े दोस्तों, तो आपके लिए आईटी आज क्रैश हुआ है, जिसमें परसिस्टेंट 5.5% नीचे दिख रहा है। कंपनी अच्छी है बट आज पूरा आईटी नीचे जा रहा है, तो क्या ही कह सकते हैं। बलरामपुर चीनी, चीनी स्टॉक्स में टूटता हुआ दिख रहा है। आईआरबी इंफ्रा अपने रिजल्ट्स के बाद टूट रहा है, और पूना वाला फिनकॉर्प तो कंटिन्यू ही मोमेंटम में बना हुआ है, बड़े एक्शन में रहता है। 20% नीचे, 10% ऊपर, 10% नीचे, आज वापस से देखा जाए तो 4% नीचे आता हुआ दिखा है। बीते 5 ट्रेडिंग सेशन में बहुत वॉलिटिलिटी देखने को मिली हमें पूना वाला फिनकॉर्प के स्टॉक में। तो ये आपके अभी के मार्केट के टॉप लूजर्स हैं, जिनके बारे में मैंने आप सभी के साथ बात करी दोस्तों। अगली वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।